नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, ईडी की कार्रवाई को लेकर जेएमएम का बयान, जेएमएम की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान, ईडी चेचाए वरना परिणाम भुगतना होगा, बदले की भावना से ईडी की कार्रवाई की जा रही है, ऐसा सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है। छत्तीसगढ़ राजस्थान में हुआ बीजेपी को फायदा, हम लड़ने वाले हैं और लड़ेंगे, ईडी के खिलाफ लोगों में आक्रोश। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बयान दिया है जहां उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर अपना बयान दिया है और कहा है कि हम लड़ने वाले हैं और लड़ते रहेंगे, ईडी के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो ईडी को उन्होंने चेत जाने की बात कही है, वरना इसका परिणाम जो है ईडी को भुगतना होगा, ऐसा जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बदले की भावना से ईडी की कार्रवाई की जा रही है। तो रांची से खबर साझा कर रहे हैं जहां ईडी की कार्रवाई को लेकर जेएमएम की ओर से बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ राजस्थान में इसका फायदा बीजेपी को हुआ है, हम लड़ने वाले हैं और लड़ेंगे। आज हम लोग साहेबगंज जिला मुख्यालय पूर्णतः बंद किए हैं और बंद करने का मेन उद्देश्य यही है, हमारे माननीय विधायक परेड विधानसभा के प्रचंड बहुमत से जीते हैं और प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनाई है। सरकार 400 से लगभग ज़्यादा हो गई है, इसके बावजूद भी भाजपा एन कैन प्रकरण सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग कर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से हमारे नेताओं को परेशान कर रहा है, मानसिक प्रताड़ित कर रहा है, बार बार सम्मन कर रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग पूरा साहेबगंज मुख्यालय पूर्णतः बंद किए हैं ताकि हमारे नेता को इस तरह प्रताड़ित और परेशान ना करें। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तो ईडी की कार्रवाई को लेकर जो है जेएमएम की ओर से बयान सामने आया है, जिसमें सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि यह जो है बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ईडी के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, ईडी चेत जाए वरना इसका परिणाम ईडी को भुगतना होगा। तो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान सामने आया है और ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि ईडी चेत जाए वरना इसका परिणाम ईडी को भारी पड़ सकता है, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ईडी की कार्रवाई का फायदा बीजेपी को छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुआ है, लेकिन यहां जो है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, झारखंड में हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। तो ये ईडी के खिलाफ लोगों में आक्रोश होने की बात उन्होंने कही है। और वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है, पूरे देश में राममय माहौल है, वहीं राम के नाम पर सियासत भी हो रही है। इसी बीच इंडिया वॉइस संवाददाता अनिल पाठक ने खास बातचीत की कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह से, जिसमें उन्होंने कहा कि बीएसपी प्रमुख मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन बहन जी ने भी साफ कर दिया हम गठबंधन नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हर दल के पास कुछ अग्रणी संगठन होते हैं, जब पहले हंगामा करना होता है तो यूथ विंग खड़ी होती है, छात्र विंग खड़ी होती है, डराती है, धमकाती भी है कि सही से रास्ते पर रहो, सरकार के खिलाफ आंदोलन करती है। भारतीय जनता पार्टी नई विंग शुरू की है, ईडी सीबीआई तरह तरह के, गोदी मीडिया भी उनका एक हिस्सा है। तो हो सकता है बहन जी को भी लगता हो कि अभी समय ठीक नहीं है, समय आने पर बताएं। कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है इंडिया एक गठबंधन के तौर पर सारी सीटों पर लड़ने की तैयारी के लिए एकजुट है और आह्वान भी करती है उन सभी पार्टियों का कि जो एक मत होकर इस अहंकारी सरकार को, जो देश के लिए नहीं अपने लिए काम कर रही है, उसे हटाने के लिए मंच पर आए, चाहे वो बसपा हो या कोई अन्य पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी को किसी से परहेज नहीं, जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इंडिया के साथ आना चाहते हैं, हम अंत समय तक उनका इंतजार करेंगे। आपको अभी भी क्या बहन जी से उम्मीद है? कांग्रेस पार्टी को हर उस पार्टी से उम्मीद है जो देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहता है, जो देश में बेरोजगारी मिटाना चाहता है, जो देश में अमन, खुशहाली, चैन
चाहता है वो इंडिया गठबंधन के साथ आएगा, इस बात की कांग्रेस पार्टी पूरी उम्मीद करती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, कांग्रेस बार बार कह रही है कि बसपा शामिल हो, लेकिन बसपा ने तो किनारा कर लिया है गठबंधन में शामिल होने से। हाँ, एकदम यकीनन सही कह रहे हैं आप। जैसा कि अमेठी से ताल्लुक रखते हैं पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, गांधी नेहरू परिवार के करीबी भी माने जाते हैं, इनका मानना है कि देर सवेर बहुजन समाज पार्टी की ओर से हरी झंडी मिल जाएगी, बसपा जो है इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। उन्होंने खुले तौर पे तो नहीं, लेकिन दबी जुबान से इस बात को आशंका जरूर व्यक्त की कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, भले इसमें थोड़ा वक्त लगे। जी अनिल, कांग्रेस की ओर से जो है ये कहा जा रहा है कि उन्हें कोई भी किसी भी तरह के परहेज नहीं है किसी भी पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने से, लेकिन दूसरी ओर सपा और बसपा की बात करें तो तकरार जो है इनके बीच खत्म ही नहीं हो रही है। मैम, जैसे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस दो धड़े में बटी हुई है, एक धड़ा चाहता है समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो, वहीं दूसरा धड़ा ये चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो। क्या लगता है कैसे एकजुट हो पाएगी इंडिया गठबंधन के अंदर जो भी दल है, ये कैसे कांग्रेस सबको एकजुट कर पाएगी लोकसभा चुनाव के पहले? देखिए, समाजवादी पार्टी में भी अंदर खाने में बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक परहेज की स्थिति बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग खिचड़ी पकाना चाहती है उत्तर प्रदेश में, और इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से बड़ी मजबूत पहल की जा रही है बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए। कांग्रेस का एक बड़ा खेमा है, एक नेताओं का एक बड़ा गुट है जो लगातार बहुजन समाज पार्टी को, बहन मायावती को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। जी अनिल, मायावती के बयान के बाद भी क्या लगता है कांग्रेस ये कह रही है कि वो शामिल हो सकती है, तो क्या उनका वाकई में गठबंधन में शामिल हो सकती है बसपा? कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये कहना है कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था समाजवादी पार्टी और बसपा का, तो तब भी दो दिन पहले हुआ था, ये अचानक हुआ था। ये कांग्रेस का मानना है कि इसमें वक्त भले लगेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर होशियारपुर से है, जहां मुकेरिया में एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 3 की मौत और 20 लोग घायल हो गए। बता दें कि आज सुबह करीब 6 बजे जालंधर से गुरदासपुर जा रही पीएपी कर्मचारियों की बस एक ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें करीब 3 सिपाही कर्मचारियों की मौत हो गई और 20 लोग इसमें घायल हुए हैं। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। और वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का आगाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को यूपी के बुलंदशहर से करेंगे। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिशन 2024 की पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली की तैयारी में प्रशासन और बीजेपी के दिग्गज जुट गए हैं। रैली में पश्चिमी यूपी के लाखों लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम ने बुलंदशहर से ही किया था, वहीं पीएम मोदी की जनसभा से पहले सीएम योगी का भी कार्यक्रम बुलंदशहर में होना है। तो 25 जनवरी से बुलंदशहर में आगाज हो जाएगा और पीएम मोदी मिशन 2024 का आगाज करेंगे। 25 जनवरी को हम सबके नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रस्तावित रैली जनपद बुलंदशहर में तय हुई है। उसी के निमित्त यहाँ ग्राउंड देखने
अन्य सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, जिले के आला अधिकारी सब लोग आए। लगभग स्थान तय हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को और पीएमओ को अवगत करा दिया जाएगा कि स्थान हमारे पास में उपयुक्त है और उसी दृष्टि से ये तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम सब जानते हैं कि 2024 का चुनाव सर पे है और 2014 का चुनाव जब हुआ था तो पहली जनसभा बुलंदशहर से हुई थी, यहीं से आगाज हुआ था। 2024 का आगाज भी बुलंदशहर से ही हो रहा है तो परिणाम भी पहले से बेहतर आएंगे, ऐसा विश्वास है। 2024 चुनाव की रणनीति बिल्कुल बच चुका है और बुलंदशहर में प्रधानमंत्री आएंगे, पहली रैली बुलंदशहर से होगी। बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह की तैयारी की जा रही है और जगह निश्चित की गई है बुलंदशहर में? पहली दूसरी बार प्रधानमंत्री पहले भी आए थे जब चुनाव हुआ था, अब दूसरी बार आ रहे हैं, तो क्या तैयारी की जा रही है बुलंदशहर में? बुलंदशहर के कार्यकर्ताओं को जब से ये पता लगा है कि मोदी जी का कार्यक्रम रैली बुलंदशहर में होने वाली है, कार्यकर्ताओं में एक अलग तरीके की एनर्जी है, अलग तरीके का उत्साह है और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ इस रैली में लगेगा। और इस रैली में कल से जब से पता लगा है तब से फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि कार्यकर्ताओं के मन में मोदी जी देश के और इस विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हैं और वो आज बुलंदशहर में आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है, हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और यहाँ एक ऐतिहासिक रैली होगी। अध्यक्ष जी, पहले दो प्रोग्राम लगे हैं, पहले मुख्यमंत्री जी आएंगे फिर प्रधानमंत्री जाएंगे, किस तरह की तैयारी है? मुख्यमंत्री जी तैयारी का जायज़ा लेने आएंगे और मोदी जी सभा को संबोधित करेंगे। हम सब कार्यकर्ता हैं और मोदी जी हम सब के नेता हैं और जब बड़े नेता हमारे आ रहे हैं तो हम सब कार्यकर्ता मिलकर उनके स्वागत के लिए पलक पांवड़े बिछाकर अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी यहां करें और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मंत्री 25 तारीख को आएंगे, रैली को संबोधित करेंगे, पहले भी रैली यहाँ हुई थी, अब दूसरी रैली भी बुलंदशहर से ही प्रधानमंत्री की होगी। वरुण शर्मा, बुलंदशहर। टावा से है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी एक दिल नगर पंचायत रैन बसेरे में ताला लटका हुआ है। बता दें कि योगी सरकार के मंसूबों पर जिलाधिकारी पलीता लगा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया के सख्त आदेशों के द्वारा जनपदों में जिलाधिकारी को रैन बसेरा में उचित प्रबंध करने का आदेश दिया गया था, लेकिन नगर पंचायत एक दिल में खुलेआम ताला लटक रहा है। तो वहीं आज कड़ाके की ठंड का तापमान 4 डिग्री है, लेकिन कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। शीतलहर में रैन बसेरा की तरफ से कपकपाते लोग पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका देख मायूस होकर लौट जाते हैं। बढ़ते आगे, खबर कुरुक्षेत्र से है जहां भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाकर देश और समाज को जहर युक्त खाद्य सामग्री से निजात दिलानी होगी। बता दें कि इस प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। इस मोटे अनाज का प्रयोग करने से अपने भोजन की थाली को जहर मुक्त बनाया जा सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाराजगंज जिले के पनियारा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि रेप के बाद आरोपी के घर वालों ने नाबालिग लड़की की पिटाई कर दी, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं नाबालिग को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक युवक ने अपने परिवार के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। दरअसल युवक ने रोते हुए स्थानीय सांसद महेश शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि पैसे की लेन देन को लेकर कुछ लोगों से आपसी विवाद हुआ था और पुलिस की ओर से युवक को थाने में बुलाकर दबाव बनाया गया था। युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला इकोटेक थर्ड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और खबर गाजियाबाद से है जहां राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के पास एसीपी कार्यालय के सामने बीकानेर स्वीट्स में मंगलवार रात पाइप्ड गैस लाइन में लीकेज ठीक
करने के दौरान आग लग गई। आग लगने की वजह से इसमें मेंटेनेंस का काम कर रहे तीन कर्मचारी भी झुलस गए। वहीं तीनों कर्मचारी चीखते चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागे, जिसके बाद ज्यादा झुलसा हुआ कर्मचारी राहुल बाहर की तरफ भागा लेकिन शीशे से टकरा गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसे मोहन नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और खबर मुरादाबाद से है, जहां इस्लामिया मुसाफिर खाने की सील खुल गई है। बता दें कि नगर निगम ने भारी भरकम टैक्स बकाया निकालकर 29 नवंबर 2023 को सील किया था, जिसके बाद मुसाफिर खाना प्रबंधन हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां मुसाफिर खाने की सील को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया। और हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम की टीम ने मुसाफिर खाने की सील खोली है। वही खबर गाजियाबाद से है, जहां विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि अभयखंड चौकी क्षेत्र के महालक्ष्मी स्क्वायर में 25 लोगों को अजरबैजान में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 20 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। वहीं चार लोगों ने लक्ष्मी मैनेजमेंट के नाम से ऑफिस बनाकर पूरा खेल किया। बता दें कि पूर्वांचल के लोगों को 30 से 80 हजार रुपए वेतन मिलने का सपना दिखाकर वीजा और पासपोर्ट भी दिए, जिसके बाद में सभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे तो फ्लाइट उड़ने से 2 घंटे पहले टिकट रद्द कर दिए गए। सर, हमारा क्या हुआ, पासपोर्ट इसके पास लगाया था और इसने हमारे साथ गलत कर दिया। हमें टिकट दिया और एयरपोर्ट से मैंने वापस फिर हम लोग को कर दिया। इनसे हमें मोबाइल से संपर्क हुआ, पासपोर्ट वगैरह सब दिए थे हम लोग, फॉर्म 75,000 जमा दिए थे और करने की कोशिश की हमने, लेकिन वहाँ सबका मोबाइल ऑफ है। आज दिनांक 16 जनवरी को थाना इंदिरापुरम पर एक तहरीर प्राप्त होती है, जिसके अनुसार कुछ युवक जो कि मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं, उनको एक वेबसाइट पर लक्ष्मी मैनेजमेंट एजेंसी नाम से एक ऐड मिलता है, जो कि विदेश में नौकरी दिलाने का ऐड करते हुए दिखाई देती है। इस पे विगत 15 सितंबर को जब ये युवक इंदिरापुरम के चौकी अभयखंड में स्थित उसके ऑफिस आते हैं, तो इस कंपनी द्वारा इनको दुबई में और अजरबैजान में स्टोर कीपर की नौकरी दिलाने के नाम पर हर व्यक्ति से 75,000 रुपए लिए जाते हैं। इसके बाद इनका वीज़ा, इनका पासपोर्ट और इनकी अजरबैजान की टिकट कराई जाती है, जिसमें 13 जनवरी को ये लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं और वहां जाने पर इनको पता चलता है कि इनका टिकट कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद जब ये लोग ऑफिस पे आते हैं तो ऑफिस में वो लोग नहीं मिलते हैं। वहीं मोदी सरकार के फिट इंडिया मिशन को लेकर प्रदेश में सफाई व्यवस्था के साथ साथ जनता के लिए बनाए गए पार्कों को सुंदर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में जगाधरी के कुंडी तालाब पार्क, जो कि जगाधरी का एक बहुत बड़ा पार्क है, अब इसका सौंदर्यीकरण कर इसे नया रूप दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने निवर्तमान मेयर मदन चौहान और नगर निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा और कई अधिकारियों के साथ कुंडी तालाब पार्क का दौरा किया। उन्होंने निगम अधिकारियों को पार्क का सौंदर्यीकरण करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान निगम आयुक्त ने बताया कि पार्क की सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्मचारी तैनात किया जाएगा। कुंडी तालाब के नाम से पार्क है, पहले सारा जो कचरा था वो करता था, लेकिन हमने प्रयास करके यहाँ पे पार्क बनवाया और ये मैं कोई कहूँ हमारे शहर का सबसे बड़ा पार्क है। तो एक पार्क को डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आज कमिश्नर साहब के साथ हैं और अन्य अधिकारी भी साथ हैं, उसके बातें उनके साथ जैसे पेंट करने के लिए, लाइट के लिए और बच्चों के लिए, मतलब जो छोटा तालाब है अपने उसमें कोई फुहरा फुहरा लगे, लोगों को अच्छा फील हो उसके लिए बातचीत। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।